हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज जॉर्डीज फोन। अगर आपने ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से रीड करा है और कुछ भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हैं। बहुत शॉर्ट में थोड़ा एनिमेटेड करके इस चैप्टर को हम लोग समझने वाली है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं जॉर्डी के बारे में। जॉर्डी के जो फादर थे उनको एक रैटल स्नेक ने काट लिया था। जब एक रैटल स्नेक ने उन्हें काटा तो उनके इलाज के लिए एक डो को यानी कि एक फीमेल डियर को मारना पड़ा था। उस फीमेल डियर को मारकर उसका जो हर्ट था और लिवर था उससे उसके फादर का पॉइजन निकाला गया था उनकी बॉडी से। जॉर्डी लेकिन जब ये सब हो रहा होता है वो ये भी देखता है कि जो फीमेल डो थी मतलब जो फीमेल डियर थी उसका जो छोटा सा बच्चा होता है वो वहीं पर पास में होता है और वो बेचारा अकेला वहां पर घूम रहा होता है। ये चीज जॉर्डी के दिमाग में बार बार घूमती रहती है। जॉर्डी को बार बार उस छोटे से बच्चे की उस छोटे से डियर की टेंशन होती रहती है जो कि फोन होता है जिसको फोन बोलते हैं हम लोग। तो उसकी बार बार वो बहुत ज्यादा टेंशन करता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब मैं अपने फादर से परमिशन लूंगा कि क्यों ना हम लोग उस फोन को अपने घर पर पाल लें। वो अपने फादर के पास जाता है और उनसे सबसे पहले तो ये पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं हाँ कुछ बेहतर सा महसूस हो तो रहा है। तो जॉर्डी उनसे बोलता है अपनी सारी बातें बताता है उन्हें और बोलता है कि फादर मैंने सारी चीजें सोची हैं, बहुत टाइम से ये चीज मेरे दिमाग में भी घूम रही है और सारी चीजें सोच समझ कर मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं कि क्यों ना हम उस छोटे से बेबी डियर को अपने घर पर लाकर पाल लें। ये सारी बात सुनकर थोड़ा सा उसके फादर सरप्राइज भी हो जाते हैं। सरप्राइज तो हो जाते हैं लेकिन वो जॉर्डी को बताते हैं सारी चीजें कि प्रॉब्लम भी आ सकती है और क्या क्या दिक्कत भी आ सकती हैं। लेकिन जॉर्डी उनको बताता है कि फादर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, मैं अब काफी बड़ा हो गया हूं, मैं आराम से एक उस छोटे से बच्चे का ध्यान रख सकता हूं और जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो मैं उसको दे दिया करूंगा। जो मेरा मिल्क है अब वैसे भी मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं तो मेरे को मिल्क की इतने ज्यादा मिल्क की जरूरत नहीं है तो मैं अपने हिस्से का मिल्क उसको दे दूंगा। तो उसके फादर ये सारी चीजें सुन तो लेते हैं लेकिन वो फिर थोड़ा सा उसको क्या करते हैं उसको टर्न ओवर कर देते हैं उसकी मदर के पास। जब जॉर्डी अपनी मदर के पास पहुंचता है उनकी परमिशन लेने के लिए तो वो देखता है कि उसकी माँ बड़ी शांत होकर टेबल के ऊपर बैठी हुई है और अपने लिए कॉफी डाल रही है कप के अंदर। जो जॉर्डी था जॉर्डी उनसे पूछता है कि क्या मैं उस छोटे से बच्चे को ला सकता हूँ। तो उसकी माँ ये सारी चीज और ये सारी बात सुनकर काफी ज्यादा जिद पे अड़ जाती है कि नहीं ऐसे इस बच्चे को नहीं लाने देंगे और उस बच्चे को पालने का तुम जानते हो क्या क्या नतीजा निकलेगा, कितना मुश्किल होगा, उसकी पॉटी कौन साफ करेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन। तो ये सारी चीजें उसकी मदर उसको बोलने लग जाती है लेकिन जॉर्डी फिर उन्हें अश्योर करता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं उसका ध्यान रख सकता हूं, ये सारी चीजें वो बोलता है। तभी डॉक्टर विल्सन और मिलविल आते हैं और जॉर्डी की हेल्प करते हैं उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर। डॉक्टर विल्सन कौन होते हैं, जिन्होंने इलाज करा होता है जॉर्डी के फादर का, और मिलविल जो फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। तो डॉक्टर विल्सन बोलते हैं कि देखो उसकी जॉर्डी की मदर को कि देखो तुमने जो भी करा है उसका कोई ना कोई तो नतीजा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर फ्री में तो मिलती नहीं है और जो भी तुमने चीज़ ली है उसका तुम्हें प्राइस तो पे करना पड़ेगा। जैसे तुमने उस मदर की जो वो मदर थी उस फोन की उस छोटे से बेबी डियर की जो मदर थी उसको तुमने मारा, उस फीमेल डो को मारा, तो अब तुम्हें उस बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो बोल देते हैं डॉक्टर विल्सन और मिलविल भी इस बात पर एग्री करता है और उनका साथ देता है। जॉर्डी को ऑफर भी करता है मिलविल के चलो कोई बात नहीं हम दोनों जाकर ले आते हैं उसको। जो उसकी मदर थी वो बड़ा हेल्पलेस फील करती है, उनको लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ, अब इन लोगों ने बात ही ऐसी बोल दी कि जब हमने उसकी फीमेल मदर को मारा है, उसकी मदर को मारा है, फीमेल डियर को मारा है, तो अब हमें ध्यान तो रखना चाहिए। तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करती है और कुछ ज़्यादा रिप्लाई करती नहीं है। तो वो जॉर्डी को एक बार फिर दोबारा याद दिला देती हैं कि मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी जॉर्डी, जो भी तुम्हें देना पड़ेगा वो अपने हिस्से से दोगे। तो जॉर्डी बोलता है हाँ बिल्कुल मैं अपने हिस्से का मिल्क पिला दिया करूंगा उसे। तो ये सारी चीजें सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं और जॉर्डी मिलविल के साथ हॉर्स के ऊपर बैठकर जंगल के लिए निकल जाता है जहां पर वो
बेबी डियर होता है। जॉडी अपनी माँ को एश्योर करता है, उसकी माँ का नाम होता है बैक्स्टर, कि मैं डिनर तक शाम को वापस आ जाऊँगा। मिलविल जॉडी को पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो फोन है वो मेल है? तो जॉडी बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, क्योंकि उसकी पीठ पर कुछ लाइंस वगैरह थी, मतलब कुछ निशान वगैरह थे, जिस तरीके से पता चल जाता है कि जो वो बेबी डियर था वो मेल था या फिर फीमेल था। तो जॉडी डिसाइड करता है कि चलो चलते हैं, और वो लोग पहुंच जाते हैं वहां पर उसी स्पॉट पर जहां पर उस फीमेल डियर को मारा गया था, और उससे उसका हर्ट और लंग्स को यूज करा गया था जॉडी के फादर के इलाज के लिए। तो वहां पर वो देखता है थोड़ा आसपास, लेकिन वो क्या बोलता है, वो जो मिलविल होता है, मिलविल को बोलता है कि आप यहीं पर रहो, मैं जाऊंगा अकेले जंगल के अंदर। तो मिलविल उसको समझाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने छोटे से हो, तुम बच्चे ही तो हो, तुम कैसे सारी चीज़ें संभालोगे? लेकिन जॉडी बोल देता है कि नहीं, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। अब ऐसा क्यों था? इसके पीछे एक और रीज़न भी था। जॉडी जो था वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता अगर वो जो छोटा सा फोन था, जो बेबी डियर था, वो उसको नहीं मिलता। उसके दिमाग में बार बार यही चीज़ आती कि क्या पता कोई जानवर उस छोटे से बच्चे को खा गया हो, या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। तो वो इस वजह से भी नहीं ले जाना चाहता था। और एक और बात भी थी कि अगर उसे वो बेबी फोन मिल जाता है, वो बेबी डियर मिल जाता है, तो जब वो उसको मिलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और इमोशनल हो जाएगा, खुशी के उसके आंसू आने लग जाएंगे। तो वो चाहता नहीं था कि वो ऐसा मोमेंट या फिर ऐसा जो सीन है वो किसी और के साथ शेयर करे। फाइनली जॉडी जब थोड़ा घूमता है जंगल के अंदर और देखता है जहाँ पर उसकी माँ मरी हुई होती है, उस बेबी डियर की, उसके आसपास तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, तो वो देखता है, कोशिश करता है कि उसे पैरों के निशान दिखे, लेकिन बारिश हो रही होती है इस वजह से पैरों के निशान भी नहीं दिखते उसे। तो वो फिर ढूंढता रहता है, फाइनली उसको फोन मिल जाता है, वो छोटा सा बेबी डियर मिल जाता है। वो उसको गोद में पकड़कर चलने लग जाता है, आने लग जाता है बाहर की तरफ जंगल से। तो जब वो बाहर आ रहा होता है तो वो बार बार उस बेबी जो डियर था उसको नीचे रखता है, फिर दोबारा थोड़ी देर में अपनी गोद में उठा लेता है, फिर नीचे रखता है, फिर गोद में उठा लेता है। ऐसा क्यों था? क्योंकि जॉडी खुद एक बच्चा था और उस छोटे से बेबी डियर को बार बार उठा के लाना उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट था, तो इसलिए उसे बार बार उसे नीचे रखना पड़ रहा था और उठाना पड़ रहा था। फाइनली जॉडी जैसे तैसे कर उसे रास्ते में उठा कर नीचे रख कर थोड़ी दूर तक पहुंचता है। वहां पर वो थोड़ा सा रेस्ट लेने की सोचता है और वहां पर रेस्ट लेता है। अब एक बात जो जॉडी ने अपने फादर से सुनी थी वो ये थी कि जो भी बेबी फोन होता है, मतलब जो छोटा सा बेबी डियर होता है, अगर वो तुमने उसे अपनी गोद में बिठा लिया है और फिर अगर तुम उसे नीचे रखते हो तो वो तुम्हारी गोद में दोबारा वापस आने की कोशिश करता है, वो तुम्हारे लैप पर वापस आने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें जॉडी को ध्यान आती है, तो वो सोचता है कि शायद जो फोन है वो वापस उसकी गोद में आकर बैठेगा, उसके पास आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जॉडी इन सब चीज़ों को माइंड ना करके उस बच्चे को अपने घर पर ले आता है। अपने घर पर लाने के बाद वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो वो बच्चा है वो काफ़ी छोटा सा था, तो वो सोचता है कि चलो अब इस छोटे से बच्चे को कुछ खिला पिला दिया जाए। तो वो खिलाने के लिए क्या करता है, कोई फ्रूट वगैरह का आपने देखा होगा कि छिलका होता है, जैसे हम लोग वाटरमेलन वगैरह होता है, या फिर हमारा कोकोनट हो गया, तो उसका जो शेल होता है, जो बाहर का पोर्शन होता है, उसके अंदर वो कुछ खाने पीने का सामान रख देता है। जैसे उसने मिल्क रखा होता है तो वो मिल्क उस बच्चे को पिलाने की कोशिश करता है, तो वो इतना छोटा होता है और उसको पता भी नहीं होता मिल्क किस तरीके से पीना है, तो वो मिल्क नहीं पी पाता। लेकिन जॉडी क्या करता है, जॉडी उस बच्चे को अपने हाथों से मिल्क लाता है और उसको थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे मिल्क पी सकता है वो बच्चा। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी पूरी फिनिश होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इससे हमें यही समझ में आना चाहिए कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जैसे जॉडी के फादर का इलाज हुआ था उस फीमेल डियर की वजह से, इस वजह से जॉडी को थोड़ा गिल्टी फील हुआ, बुरा फील हुआ, और उसने उस छोटे से बच्चे को पालने का सोचा और अपने माँ बाप से परमिशन ली और उनके थोड़ा सा अगेंस्ट भी गया। आपने देखा कि उसकी मदर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी, उसके फादर भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उस बच्चे को पालने की कोशिश करी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बहुत अच्छा इसका मैसेज था, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई हो। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज़ कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? ये मेरा पूल है और मैं किसी भी गांव वाले को यहाँ पर नहीं आने देता।
तो रजनी जो होता है, रजनी उसको बोलता है कि मैं कोई गांव वाला नहीं हूं, मैं राजपूत हूं।